पेप्सी की वजह से दंगे। हाँ जी राहुल जी, ये क्या बोल रहे हो, पेप्सी की वजह से किस बात के दंगे? ये कोई दारू थोड़ी है कि दारू पी के दंगा कर दिया। नहीं भाई साहब, इसकी वजह से कैसे हुआ? बात है फरवरी 1992 की, फिलीपींस में आपने एक पांव जमारी थी पेप्सी। पेप्सी ने कहा 20% के आसपास मार्केट शेयर है, इसको कैसे बढ़ाए? तो उन्होंने कॉन्टेस्ट चला दिया कि पेप्सी या पेप्सी के जो प्रोडक्ट है सेवन अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, इनको आप भाई साहब खरीदो और इन पे एक नंबर है 1 से लेकर 999 के बीच में, जिसपे पास जो नंबर आएगा उस हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, इनाम मिलेगा। तो मिनिमम इनाम 100 पैसों से लेके 1 मिलियन पैसों, यानी 10 लाख पैसों तक का इनाम था। तो दबा के पेप्सी बिकी, शुरुआत में कंपनी को बहुत फायदा हुआ, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा पंगा हो गया। इनका एक लक्की नंबर था जिसपे 1 मिलियन पैसों मिलने वाले थे, वो नंबर था 349, और गलती से इस नंबर की 8 लाख बोतल प्रिंट हो गई। सबके पास 349, सब मिलियन लेने पेप्सी के पास पहुंच गए, धरने प्रदर्शन हो गए, आगजनी हुई, रोड ब्लॉक हुआ, उन दंगों में 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई। कंपनी को पूरा 20 मिलियन लग गए इसको पूरी चीजों को सेटल करने में।